पेश करते हैं 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक, जिसकी कैपेसिटी है 60 टन्स। इस इलेक्ट्रिक ट्रक से आप सालाना 5 लाख रुपए की सेविंग कर सकेंगे लॉजिस्टिक्स पर। और मॉडिफाइड थॉट्स पर आज हम जानेंगे IPLT Rhino 5536 के पावर, ट्रांसमिशन, बैटरी, चार्ज टाइम, रेंज और चार्जिंग स्टेशंस के बारे में डिटेल में। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो 85% बाय रोड होता है। इसके लिए तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा ट्रक्स है जो चलते हैं डीजल पर। अब इलेक्ट्रिक अवतार में हमने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स देखी है, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, फिर चाहे वो बैटरी हो या रेंज हो या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो। तो इस मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में भी कई सारी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और सीधा चलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक की राइड पर। IPLT यानी इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी, 2017 से ये कंपनी काम कर रही है और 2019 अगस्त में इन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है, राइनो 5536। इस ट्रक में है 4 मेन सिस्टम, मोटर कंट्रोल, ट्रांसमिशन, बैटरी मैनेजमेंट और चार्जिंग सिस्टम। मोटर की बात करें तो इसमें है PMSM बेस्ट इन क्लास मोटर विथ 96% इफिशियंसी। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन, 12-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, ये दोनों मिला के मैक्सिमम पावर जनरेट करते हैं 360 हॉर्स पावर की RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क है 2400 न्यूटन मीटर 600 RPM पर। एक्चुअली इस ट्रक के ट्रांसमिशन के लिए इन्हें सिमुलेशन टूल की जरूरत थी, लेकिन 60 टन के लोड के लिए इन्हें कहीं भी वो सिमुलेशन टूल नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि इन्होंने आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ट्राई किया, लेकिन इन्हें वो टूल नहीं मिला। तो इस कंपनी ने वो टूल खुद से बना लिया जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, एंड दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी, इस इलेक्ट्रिक ट्रक में है 258 किलोवाट की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी विद कूलिंग सिस्टम। इतना बड़ा ट्रक चलाना है तो ऑफ कोर्स बैटरीज गर्म होने वाली है, तो कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है। इस बैटरी पर है 7 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर की वारंटी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी साइकिल्स भी जानना जरूरी है। इस बैटरी में आपको मिलते हैं 4000 साइकिल्स। फोन चार्ज में ये ट्रक विद लोड 185 किलोमीटर जाता है और विदाउट लोड अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर। अब मैंने आपको बैटरी साइकिल्स क्यों बताई, एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब कंपनी क्लेम करती है 185 किलोमीटर, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 150 किलोमीटर ट्रक जा रहा है वन चार्ज में, यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक चार्ज में ट्रक जा रहा है 150 किलोमीटर। अब पूरे साइकिल से 4000 इंटू 150 कीजिए, आ जाएंगे 6 लाख किलोमीटर, यानी ये बैटरी 6 लाख किलोमीटर आराम से चलने वाली है। यानी जहां पर माइनिंग के काम होते हैं वहां पर दिन भर ट्रक चलने के लिए ये पर्याप्त होगी। अब गौर करने वाली बात है कि ये ट्रक 20% स्लोप पर भी 60 टन लोड के साथ चढ़ सकता है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक ट्रक के और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानना चाहते हैं, जैसे कि केबिन के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसका पूरा प्रोडक्ट ब्राउचर देख सकते हैं, उसमें डिटेल्ड जानकारी दी गई है। IPLT के मुताबिक डीजल ट्रक चलाने के लिए 30 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आता है, लेकिन वही इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने के लिए 10 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है। यानी तकरीबन 60% सेविंग्स ये इलेक्ट्रिक ट्रक देता है कन्वेंशनल डीजल ट्रक से। और इनके सर्वे के मुताबिक कई ऐसे फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जो ये ट्रक खरीदना पसंद करते हैं। अगले एक साल में IPLT ऐसे 1000 ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। फिलहाल रोड्स पर कई IPLT इलेक्ट्रिक ट्रक्स दौड़ रहे हैं और इसके लिए इन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये ट्रक 90 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन पर। हालांकि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या इस ट्रक को नॉर्मल पावर सॉकेट में प्लग किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो वो कितना टाइम लेगा। तो ये चीज इस ट्रक के बारे में थोड़ी सी सीक्रेट मालूम होती है। गाजियाबाद में ये ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते हैं और उम्मीद यही है कि भविष्य में ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हमें देखने मिले, ताकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका यूज ज्यादा प्रैक्टिकल हो सके। क्योंकि फिलहाल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही लोग ओन कर सकते हैं जो उस गाड़ी को एक सेकेंडरी ऑप्शन देख रहे हैं। अगर कोई बंदा अपनी पहली कार ले रहा है तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ नहीं देखेगा।
उसका सही सही रीजन है उसकी रेंज और चार्जिंग स्टेशन की कमी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियोस देखने मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल मॉडिफाइड थॉट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारी पूर्ण वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए। जय हिंद।